वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हम लोगों को इन फोर्थ फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। तो देखो, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन सिमिलर होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये फ्री रेडिकल के पास इधर हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है और इधर से हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। तो हम लोग को यहाँ पर फोर हाइपर कॉन्जुगेशन दिख, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे थ्री हाइड्रोजन है। देखो ये मिथाइल ग्रुप है ना, तो यहाँ पर थ्री हाइड्रोजन, यहाँ पर दो है, यहाँ पर टू है। सो टोटल हाइपर कॉन्जुगेशन थ्री और फोर, सेवन हाइपर कॉन्जुगेशन। अब इसको देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि हाइपर कॉन्जुगेशन तो है, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर इन्फ्लुएंस है किसका, रेजोनेंस का। यहाँ पर देखो ये जो बॉन्ड है ये आधा इधर जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन आधा इधर आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो एक है ये इधर आ जाएगा, मतलब एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके साथ गया, एक यहीं रह गया। तो इसका हम लोग क्या देख रहे हैं कि रेजोनेंस फिजिबल है। तो यहाँ रेजोनेंस फिजिबल है, तो दिस इज रेजोनेंस स्टेबिलाइज, यहाँ रेजोनेंस है। यहाँ पर क्या देखते हैं कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यही हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन कर सकता है क्योंकि सिर्फ यही तो जो है करेगा अलाइलिक है, तो दिस हैज वन हाइपर कॉन्जुगेशन। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा हो जाएगा, रेजोनेंस वाला हो जाएगा, तो सी इज मोस्ट स्टेबल। उसके बाद इन तीनों में हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे मैक्सिमम में सेवन है, तो दिस विल बी मोर स्टेबल। उसके बाद फोर हाइपर कॉन्जुगेशन वाला हो जाएगा और लास्ट में ये हो जाएगा। सो ये रहा अपना ऑर्डर हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाइपर कॉन्जुगेशन और कार्बोकटायन स्टेबिलिटी दोनों एक जैसे होते हैं। अगर आपको कार्बोकटायन स्टेबिलिटी समझ में आता है तो वही चीज़ को आप यूज़ करके हाइपर कॉन्जुगेशन वाला स्टेबिलिटी पता कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।